हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसका नाम है मॉडल कॉम्बैट आर्मर केड। तो इसमें अलग क्या है और ख़ास क्या है मॉडल कॉम्बैट आर्मर केड? और आप देख रहे हैं समूह एट गेम वीके। तो फ्रेंड्स, मॉडल कॉम्बैट आर्मर केड एक मॉडल कॉम्बैट की एक अलग गेम है, क्योंकि इसमें मॉडल कॉम्बैट के लगभग मोस्टली सभी फाइटर्स और इनको मना है। फिर से थोड़ा किया गया, एडिट किया गया इनको, मतलब थोड़ा चेंजेस किए गए इनमें। और मॉडल कॉम्बैट के मोस्टली सभी फाइटर्स हैं, मतलब जो डेडली अलायंस से थे और उसके बाद यानी शाओ खान से लेकर सीधा ड्रैगन किंग था। पर इसमें समझ में नहीं आता कि शाओ खान की तरफ से स्कॉर्पियन क्यों लड़ता है। हालांकि यही चीज़ समझ में नहीं आती इसमें ओपनिंग में। और इसमें बड़े बड़े विलन्स लेके बड़े बड़े हीरोज हैं। तो पर इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसमें अलग क्या है? तो अलग ये है, इसमें करेक्टर तो हैं बहुत सारे, पर एक नई चीज़ ये है जो आप चला सकते हैं अपने PS2 इमुलर में, और ये एक्सबॉक्स एंड डॉल्फिन व्हील इमुलर में भी चलेगा। एक्सबॉक्स तो बता ही दिया मैंने, PlayStation 2 और गेम क्लब। तो फ्रेंड्स, इसमें करेक्टर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मतलब हर करेक्टर अलग है। और सबसे बड़ी बात मॉडल कॉम्बैट इन गेम्स में कि वेपन यूज़ कर रहे हैं फाइटर्स, जबकि देखा जाए मॉडल कॉम्बैट 9 में ऐसा नहीं था। मॉडल कॉम्बैट 9 में टैग टीम थी, पर इसमें सिंगल टैग टीम नहीं है। पर इससे भी अच्छी बात इसमें यह है, किसमें क्रिएट कर सकते हो एक खुद का मॉडल कॉम्बैट करेक्टर। जैसे किसी में क्रिएट कर सकते हो आप ब्रूस ली या फिर टर्मिनेटर, रैम्बो जैसे करेक्टर, या फिर खुद का क्रिएट कर सकते हो। कोई भी गॉड भी बना सकते हो अगर आपको कोई बनाना है वैसे में। यानी डॉल सिम और एनिमी जैसे करेक्टर भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो गेम तो बहुत अच्छी है, तो आपको उस पर ट्राई करना चाहिए। और इसमें मॉडल कॉम्बैट के लगभग सभी फाइटर्स हैं, जो कि मॉडल कॉम्बैट की अभी तक नई गेम्स में तो अभी आई नहीं है। तो इसमें भी करेक्टर नहीं दिखे हैं किसी में भी, इतने सारे करेक्टर मॉडल कॉम्बैट के। सबसे बड़ी बात इसमें जो एक ये लाल करेक्टर दिख रहा है समुराई जैसा, ये तो मैट्रिक्स जैसा दिखता है, मैट्रिक्स 3 में हीरो की जैसी हालत थी उस तरह का दिखता है। पर इसके अलावा इसमें सिंग सुन यंग है, और इसमें लू कैंग भी है, पर ज़ॉम्बी वाला लू कैंग है। और जैसे कि मैंने बनाया शाओ खान से लेकर ड्रैगन किंग तक है इसमें। वो क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का करेक्टर और मूवमेंट, अकुमा जैसे स्ट्रीट फाइटर जैसे करेक्टर भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो अमेजिंग गेम है दोस्तों, आपको मैं के पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है और लेने की सोचे तो आप कर सकते हैं डाउनलोड, मैं बताया था। लू कैंग का ज़ॉम्बी मोड भी काफ़ी अच्छा है। और हाँ, करेक्टर कस्टमाइज ऑप्शन होंगे और वो भी अनलॉक होंगे, तो अनलॉक कर सकते हो वो भी आप। हालांकि फाइटर बहुत सारे और उस पर दो तरह के हैं प्लेस्टेशन 2 में, इसमें एडिशन भी है। और इसके बाद आई थी मॉडल कॉम्बैट 9, और इसमें स्टोरी के हिसाब से है जिस टावर के एंड तक पहुँच जाएगा वो बन सकता है गॉड। और दोनों फाइटर्स सब फाइटर्स हुए थे डेडली, सबको हो गए जिंदा और लड़ रहे हैं वॉर, और एल्डर गॉड्स रोक नहीं सकते इन्हें। फ्रेंड्स, आज तक वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट रिव्यू था वैसे तो थोड़ा बड़ा हो गया। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।